का टाइम है और फजर की नमाज का टाइम है। हम उठे हैं फजर की नमाज अदा करने के लिए और अंधेरा बहुत हो रहा है। और अभी मैंने एक चांद देखा था, वो चांद भी घूम हो गया और इतनी धुंध हो गया, बहुत ही धुंध हो गया। और अपने यहाँ इतनी पड़ गया, टप टप इतनी हो गया पत्ता पैसे, ये देख सैन सारा गीला हो जाता है। ऐसे है जैसे बारिश आ रही है, बहुत ही पन्नी पड़ रही है। जल्दी से मैं कैमरा बंद करती हूँ, कैमरा बंद करके वजू करती हूँ, वजू करके फिर नमाज फजर की नमाज अदा करती हूँ। फजर मैंने अदा कर ली है, अब मैं जा रही थी उस घर में से चीनी पत्ती लेने। हमारी चीनी पत्ती ख़त्म हो गई थी और शहर हम भेज नहीं सकते, धुंध बहुत सारी हो रही है। पल्ली साइड पे से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इस साइड पे आलू लगे हुए हैं और सुबह सुबह डोगी भी नज़र आ गया और पकाया सफ़ेद है। चलती हूँ चीनी पत्ती लेके आती हूँ और चीनी, क्योंकि ये घर में से लेने आती है, बच्चों को तो हम बड़ों को तो भेज नहीं सकते। तीन घर छोड़ के, हाँ जी तीन घर छोड़ के चौथे घर में से मैंने चीनी पत्ती लेने आ चलती हूँ। मैं चीनी पत्ती लेके आ, कौवा सुबह सुबह आ गया, दरख्त पे बैठ गया, बोलने लग गया। और हमारे विलेज में आज फिर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और जो शबनम है वो ऐसे पड़ रही है जैसे बारिश आ रही हो। और आज हमने बाहर नाश्ता वगैरह नहीं बनाया, तो आज हमने इधर सिलेंडर पे, क्योंकि दाल चावल हमारे रात के बने हुए थे, तो दाल भी और चाय भी हमने सिलेंडर पे बना लिया। अहमद अली भी बैठा है नाश्ता करके, ये भी दुकान पे जाएगा। इब्राहिम आपने भी जाना है, किस टाइम जाओगे? जा रहे हैं, ज्यादा थी ना इसलिए। अच्छा आज सर्दी ज्यादा है इसलिए लेट जाओगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अली हसन भी काम पे चला गया, अब ये भी नाश्ता करके जा रहे हैं काम पे। ज़ारा मेरी प्लेट लेके बैठी है, माटो को रात से उल्टियाँ लगी है। माटो इधर देखो, जल्दी से हम नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से संगवाते हैं और कमरे की साफ सफाई करते हैं, है ना माटो? माटो नहीं बोलती। कमरे में से सारा खिलौना उठा लिया और कमरे में पानी भी छिड़क लिया, बिस्तर वगैरह भी मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं देती हूँ कमरे की झाड़ू, पानी फ्रेश नहीं करता है ना, ये फायदा होता है। जो धूल होती है ना वो नहीं उड़ती, और ऐसे ना फिर पानी छिड़कने से ना जल्दी जल्दी झाड़ू दिख जाती है। कमरे की झाड़ू मैंने दे ली है, अब मैं ये उठाती हूँ कूड़ा, कूड़ा इसमें शॉपर में डाल के ना फिर फिजा को देती हूँ बाहर, ये गे के आएगी। और फिजा मुझे ना बर्तन धोने वाला साबुन ला के देना, बर्तन भी धोने हैं। ठीक है, कूड़ा मैंने उठा लिया, ये फिजा घेर के आओ। भाई मकबूल को हमने भेजा था कुछ सामान लेने के लिए मंडी से। हाँ जी भाई, आप ले आए हैं? सर्दी तो आज बहुत हो रही है, बिस्तर में से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि सुबह सुबह वो ना धुंध भी हो रही थी, वो जिसे कहते हैं शबनम, हम तो पन्नियार कहते हैं ना, शबनम भी कुछ लोग कहते हैं, तो वो तो ऐसे पड़ रही थी जैसे ना बारिश आ रही हो। और सेन इतना गिला रहा था, झाड़ू भी नहीं दी रही थी, मेरे तो हाथ ही दुखने लग गए थे। हाँ जी, सामान ले आए हैं भाई? चलो फिर ठीक है, क्या क्या लाए हैं? ये इधर लहसुन है, अदरक, अच्छा, और मिर्चें, अच्छा, और जो साग बोला था वो कल मिलेगा, मंडी ना बंद हो गई थी। अच्छा मंडी बंद हो गई थी, चलो ठीक है, और सामान तो आ गया ना, चलो ये रखते हैं। साग जब आएगा फिर साग की हम देख लेंगे क्या करना है साग का। कल मिलेगा साग, चलें ठीक है फिर। भाई मकबूल जो सामान लेके आया था वो मैं सामान निकालती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ। सबसे पहले हम टमाटर निकालते हैं, इसमें निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक है इसको भी इसके अंदर निकालते हैं। लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें इसलिए हमने ज़्यादा मंगवाई थी
क्योंकि हमने बनाना था साग। साग तो भाई मकबूल को मिला नहीं है, भाई मकबूल कह रहा था कल को मिलेगा साग। तो इन मिर्चों को हम करते हैं सेव फ्रीज़र में नहीं बल्कि फ्रिज में। तो कल को भाई मकबूल लेके आएगा साग, फिर हम साग के अंदर डालेंगे, जो मिर्चें बच जाएंगी वो फिर हम जो हम शाम के टाइम सालन वगैरह बनाते हैं ये फिर पकाए मिर्चें हम उसके लिए रख लेते हैं। अभी इनको मैं रख के आती हूँ फ्रिज में। सुबह से बहुत ही सर्दी हो रही है, सूरज तो निकला ही नहीं है, अभी भी बादल भी है और धुंध भी है, हल्की हल्की फुहारसी पड़ रही है, फनियाल जिसे शबनम कहते हैं वो पड़ रही है। और मैं बना रही हूँ चाय, नागेश बेटी के अबू आए हुए हैं उनके लिए बना रही हूँ चाय और अपने लिए चाय बना रही हूँ। सर्दी बहुत है, हाथ फिरे पड़े हैं, सर्दी से बोला भी नहीं जा रहा है। अब जल्दी से मैं चाय बनाती हूँ, चाय बना के नागेश बेटी के अबू को देती हैं। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आपको पता है ये हमारी बहन है और इनका मसला भी हमारे बहन भाइयों को पता है, ये इनके बच्चे वगैरह हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बहन यूके में रहती हैं शहरीन सिस्टर जो हमारी, उन्होंने इनका राशन का इंतज़ाम किया था और बहुत ही हमारे भाई हैं प्यारे, उन्होंने इनके लिए माशाल्लाह 3 अदद रज़ाइयाँ और 3 अदद गद्दे जो हैं क्योंकि इनके बच्चे हैं सर्दी बहुत ज़्यादा है, इंतज़ाम किया है। और साथ में हम लेकर आए हैं आटे की ट्रंक लेकर आए हैं क्योंकि जो हम आटा लेकर आए थे इनके पास वो ड्रमी नहीं थी आटा रखने के लिए, तो हमने मुनासिब समझा कि भाई आटे की जो टैंकी है वो ज़्यादा ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिस्टर के पीछे जो बिस्तरे नज़र आ रहे हैं, ये सिस्टर के अपने बिस्तरे हैं जिसमें ये रात को सोती हैं। कैमरा मैन अगर सही करके दिखाए पिछले बिस्तरे, ये है हमारी बहन के पिछले ये जो टंगे हुए हैं। अब ये वाले माशाल्लाह न्यू अच्छे वाले स्पेशल तैयार करवा के हमने ये माशाल्लाह बाजी के हवाले कर दिए हैं। और आपने दुआ करनी है, जिस भाई ने नाम मुझे याद नहीं रहा, शायद शफकत भाई हैं, मैं ऐड कर दूंगा नाम बाद में, तो शफकत भाई हैं, अल्लाह करे शफकत भाई हों, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे। क्योंकि कहते हैं ना हकदार को हक मिलना चाहिए, मेरी भी कोशिश यही होती है कि जो हकदार हो उसको ढूंढ के निकालूं। और आपका जो कीमती असासा जो पैसा होता है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, जो गरीबी देखता है उसको पता होती है पैसे की कदर की, वक्त मेहनत लगती है पैसा कमाने में, बहुत टाइम लगता है। ये जो हमारी बहन है ये भी बहुत मेहनत करती हैं, बैठे पे ईंटें बना के अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो शफकत भाई अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे। और माशाल्लाह हूँ खुश है ना मेरी बहन, हूँ अच्छी तरह बालना कुछ मावे सोने बिस्तरे आ गए उन्ना को बुका सकें। यकीन करें मुझे इतनी इंतहाई खुशी होती है, बाजी कह रही हैं कि जब से आप आए हैं मैंने बच्चों को स्कूल में भी डाला है और 10 रुपये रोज़ाना की भी देती हूँ, बच्चे बीमार भी रह गए। लेकिन अब ये सिस्टर बता रही थी कि मेरे शोहर का ख़त्म शरीफ था लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं था, तो बस जैसे कैसे करके मैंने वो ख़त्म शरीफ करवा लिया है। बहरहाल अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमाए और करोड़ों रहमत का नज़ूल हो, आमीन। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, मगरिब की अज़ानें भी आ गई हैं और इधर सब बच्चे रात का खाना खा रहे हैं। और मैंने अम्मी जान लेके आई थी साग को मैंने लगाया तड़का, अम्मी ने सिर्फ उबाला हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ था, मैंने सारा मसाला वगैरह भूना है और मैंने मसाला वगैरह भून के इसमें मैंने डाल लिया साग को। अब अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं मसाले में, जैसे ही हमारा साग तैयार होगा फिर इब्राहिम कह रहा था भाभी आज सर्दी हो रही है भाई साग ऐसे कोई चीज़ होनी चाहिए रोटी के साथ, मैंने कहा साग रखा है फ्रिज में, अम्मी जान लेके आई थी, मैं कहा वो ले आओ उसको तड़का लगा लेते हैं। साग को लग गया तड़का, अब थोड़ी देर और हम इसको ज़रा अच्छी तरह गर्म करते हैं तो फिर देते हैं इब्राहिम को और जहरा को साग के साथ रोटी। नाविश बेटी और भाई इतनी सर्दी में आए हैं और सर्दी बहुत है और हमारी लाइट भी गई हुई है। और नाविश बेटी आपकी लाइट गई हुई है? नहीं हमारी तो खड़ी हुई है। आपकी खड़ी है या है? है खड़ी है। और सर्दी बताओ कैसी है? तो बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी ठंड हो रही है ना। हाँ जी। और ये क्या लेके आए हैं? ये
ये हम साला लेकर आए हैं, मच्छी बनाई थी ना। हाँ जी। तो मामू के लिए मच्छी और चावल लेकर। तो इसकी क्या जरूरत थी इतनी सर्दी में आप आए हैं? हमने बनाई है, जरूरत क्यों नहीं थी, हमने तो देने आना था ना। नहीं फिर सर्दी भी तो देखो, मेरी तो कांप नहीं छूट रही है। कुछ नहीं होता, ये सर्दियाँ तो यूं ही रहेंगी ना। हाँ जी ये तो बात है, सर्दियाँ यूं ही रहेंगे। चलो फिर अंदर ना मैंने कोले रखे हुए हैं कमरे में अंगीठी में डाल के, चले आए फिर पहले आग सके, फिर देखते हैं अगर लाइट आती है ना फिर चाय वगैरह बनाते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल की लाइट में ही चाय बनाते हैं। नहीं बस चाय नहीं पियेंगे हम, क्यों? अभी हम चाय पी के आए हैं और रोटी भी खा के। और अम्मी? अम्मी घर है। अम्मी घर है, अम्मी को भी ले आना था, बस वो ना हादी बहुत रो रहा था तो इसलिए मैं यहाँ। चलें फिर ठीक है, अच्छा कि आप आगे, इतनी सर्दी होती है मेरे पे तो उधर आपकी तरफ आया भी नहीं जाता सर्दी की वजह से। करी थी नियत भाई आएंगे, लेकिन आज तो दिन बिल्कुल भी नहीं निकला, इतनी ठंड हो रही। हाँ जी सूरज निकला ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं निकला क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी और पैदल चला भी नहीं रहा, पैदल चला भी नहीं जा रहा था और जोन से शबनम ऊपर गिर रही थी वो तो लगी है फिर। हाँ जी चलें फिर आते, सर्दी हो रही है, आप आ सके, मैं कैमरा बंद करती हूँ, ठीक है।